हेलो एवरीबॉडी, श्रावणी किचन में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए मेरा रेसिपी है मटन कसा और मैं आपको ये ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल में दिखाऊंगी। ये एक बहुत ही स्पाइसी डिश है पर ये बहुत ही स्वादिष्ट भी है। हर एक मीट लवर को ये पसंद आएगा ही। इसे घर पे बनाना भी बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है। तो चलिए देख लेते हैं मटन कसा बनाने की रेसिपी। पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिया है मटन ग्रेट किया हुआ कच्चा पपीता, प्याज चॉप किया हुआ, प्याज का पेस्ट, हरी मिर्च की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, घी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। मटन को पहले हम मैरिनेट करेंगे। मटन को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मटन लिया है। पहले इसमें हम देंगे प्याज का पेस्ट, 3 मीडियम साइज का प्याज का पेस्ट है यहाँ पे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च की पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 2 चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कच्चा पपीता आधा कप। पपीते को मैंने ग्रेट कर लिया है, इससे मटन बहुत ही अच्छे से पक जाता है और बहुत ही नरम हो जाता है। आप अगर चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, इससे स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा। नमक हम देंगे स्वाद अनुसार। सारे चीजों को हम हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे अब ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पे कुछ और इंग्रेडिएंट्स लिया है मैंने, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी और सूखे लाल मिर्च। इन सारे चीज़ों को हम फ्लेवर के लिए यूज़ करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। इस डिश के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तेल हल्का गरम हो जाने पर सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए थे वो एक एक करके हम तेल में डाल देंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तेज पत्ता हल्का रंग पकड़ते ही हम 1 चम्मच चीनी देंगे तेल में। ये चीनी देने से मटन में एक बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। चीनी गल गया है तो अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज देंगे और फ्राई करते रहेंगे जब तक प्याज नरम ना हो जाए और गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। मटन भी मैरिनेट हो चुका है। कढ़ाई में मटन डाल देते हैं। यहाँ पे फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे और लीड से कवर कर देंगे। मटन से अपने आप पानी निकल आया है। हम बाहर से तब तक पानी नहीं देंगे जब तक ये पानी पूरा ड्राई ना हो जाए। अगले 2 घंटे तक हम मटन को पकाएंगे। 4 स्टेप्स को हमें रिपीटेडली फॉलो करना है। ढक्कन हटा के मटन को अच्छे से मिलाएंगे। बहुत ही टाइमली ढक्कन को हटाना है हमें, वरना मटन नीचे से जल जाएगा और कड़वी स्वाद आ जाएगी। हाथ के सामने गर्म पानी मौजूद रखिए। थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी मिलाएंगे।
और फिर से कवर कर देंगे एक मिनट के लिए। एक मिनट बाद ढक्कन हटा के सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक अच्छा मटन बनाने का कोई सीक्रेट या स्पेशल रेसिपी नहीं होता है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और डेडिकेटेडली इसे पकाते रहना है, स्वाद अपने आप आ जाएगा। 2 घंटे बाद मटन का कलर डार्क ब्राउन हो गया है। मटन इतना नरम हो जाना चाहिए कि आप उसे 2 उंगलियों से तोड़ सके। अगर थोड़ी और ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। एक चम्मच घी देंगे। और आधा चम्मच गरम मसाला देंगे। ये मटन अब रेडी है। प्लेन राइस, पुलाव या रोटी के साथ आप इसे सर्व करें। घर पे बनाने के लिए मटन का इससे अच्छा और स्वादिष्ट डिश और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और भी अच्छे रेसिपी के साथ। थैंक यू।